हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अंजू आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने बता रही हूँ आलू की पूरियाँ। तो हमें इसके लिए चाहिए आटा, हमें चाहिए आलू जो मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर दिए। कद्दूकस करने की वजह यह है दोस्तों, क्योंकि अगर हम वैसे मैश करेंगे तो कोई छोटे कोई बड़े इस तरीके के टुकड़े रहते हैं, मगर इसमें इक्वल हो जाते हैं, मैश अच्छे से हो जाता है। और दूसरा मैंने लिया है कद्दू कसकी हुई अदरक, और ये मैंने मसाला बनाया है। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा जो मैंने साबुत लिया था और भुना था, और अजवाइन भून के इसमें डाल दी है दोस्तों, और इसमें आमचूर डाला है। तो अब हम इस सारे मिक्सचर को एक साथ मिला देंगे। इसमें हो सकता है हमें पानी की ज़रूरत पड़े, पर नॉर्मली पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। 8-10 आलू बहुत होते हैं इतने आटे को गूंदने के लिए, तो ये 8-10 आलू हैं। तो हम इसे सब मिलाएंगे। लाल मिर्च की जगह आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया। फ़िलहाल मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च नहीं डाली। हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि बच्चे खाते हैं तो मुंह में आती है। तो ये मसाला पूरी को खस्ता बनाने के लिए इसमें सूजी का यूज़ करती हूँ, ताकि पूरी थोड़ी करारी बने। तो अब हम इसे गूंद लेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ी सी सूजी मिला रही हूँ। हम इसे आटे की तरह गूंद लेंगे दोस्तों। इसमें हमने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है, तो ये देखिए ये हमारा आटा गूंदा गया। ये देखिए ये हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है, ये हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसकी पूरियाँ बेलेंगे। दोस्तों घबराइएगा मत, क्योंकि ये आलू की पूरी है तो ये थोड़ी चिपकेगी, तो इसलिए इसमें तेल लगा लीजिए। क्योंकि आलू आप भी जानते हैं पानी छोड़ता है, तो अब ये जो है ये देखिए ये पूरी हमारी रेडी है। एक हम डाल चुके थे, ये अब हम इसमें डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है हमारा। ये हम इसको लाल होने तक भूनते हैं, तलते हैं, तो थोड़ी सी रेडिश हो जाती है। तो रेडी है, ये देखिए ये फ्राई हो गई है, अच्छे से फूली है। तो इसका मतलब हमारा आटा जो है अच्छे से बना था, क्योंकि दोस्तों जब आटा अच्छे से गूंदा जाता है तो ये पूरियाँ इसी तरीके से फूलती हैं। तो ये देखिए ये हमारी आलू की खस्ता खस्ता पूरियाँ रेडी हैं, और इसे मैंने रायते के साथ सर्व किया है। तो आप इसे आलू की पूरी, सॉरी आलू की सब्जी या फिर छोले, इनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती हैं, और इसे ऐसे ही अचार के साथ भी खाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए करके बताइए कि ये कैसा बना।